हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम, जय माता दी। आज का विषय है प्रशासनिक सेवा के योग, सरकारी नौकरी के योग या उच्च पद पर आसीन के योग। और हम चर्चा करेंगे क्या हमारी कुंडली में इस प्रकार के योग क्या आंशिक तो नहीं बन रहे हैं, या बहुत मजबूत स्थिति से हमारी कुंडली में योग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अक्सर आप जब भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो आपको इन शब्दों को सुनने को मिलता होगा कि आपके कुंडली में इस प्रकार के योग बहुत ही मजबूत स्थिति में है, या आंशिक है, या किसी भी ग्रह की दृष्टि आपके इस योग पर पड़ रही है जिसके कारण से ये विलंब बता रहा है। वास्तव में ऐसे योग हैं या नहीं, इन्हें समझना है। तो हम लोग जब ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इसका जवाब कैसे दें, ज्योतिष शास्त्र में इस योग के विषय में भी बहुत सारे सूत्र लिखे हैं, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, एक या दो सूत्र आपको आज अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हमारे चैनल के माध्यम से विवाह योग, संतान योग, प्रेम विवाह योग, विदेश योग इत्यादि बहुत सारी जानकारियां दी गई है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलिए हम लोग इस योग के बारे में बात करते हैं। आप यहां पर एक लग्न कुंडली देख रहे होंगे, यहां पर एक लग्न कुंडली आई है। ये हमारे कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट होती है, इसे जीवन चार्ट भी कहते हैं। तो आप इस लग्न कुंडली, जन्म कुंडली को ही देखनी है कि आपके इस जन्म कुंडली में यह योग है कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 से 12 तक सारे घरों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें प्रशासनिक सेवा के योग या सरकारी नौकरी के योग या उच्च पद पे आसीन के योग हमें अपनी कुंडली के 10वें घर से देखना पड़ता है। आप हमेशा अपने 10वें घर को देखिए, 10वें घर के लग्न जो स्वामी है, मतलब दशमेश, उन्हें देखिए क्या उनका संबंध 6ठे घर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि हमारे दशमेश का संबंध 6ठे घर से बनता है तो हम लोग सरकारी नौकरी का योग हम लोग बताते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे कुंडली में क्या प्रशासनिक सेवा के योग बन रहे हैं, क्या सरकारी सेवा के योग बन रहे हैं, क्या उच्च स्थान पर प्राप्त होना, उच्च पोजीशन प्राप्त करने का भी योग हमारी कुंडली में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसका मैं एक सूत्र आपको बताना चाह रहा हूं। यदि हमारे लग्न कुंडली, जन्म कुंडली में पंचमेश अर्थात पंचम घर के स्वामी, दशमेश अर्थात दशम घर के स्वामी, चतुर्थेश अर्थात चौथे घर के स्वामी और लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी का संबंध यदि नवमेश अर्थात नौवें घर के स्वामी के साथ बनता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक लाल बत्ती गाड़ी की सवारी करता है, अर्थात ये उच्च प्रशासनिक योग को प्राप्त करता है। तो हम यहां पर एक कुंडली आपको देखने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपको देखिए
कर्क लगन की कुंडली है। कहे कि जो पहले घर में देखिए चार नंबर लिखा हुआ है, चार नंबर अर्थात कर्क राशि, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस कुंडली में पंचमेश, दशमेश, चतुर्थेश, लग्नेश का क्या संबंध नवमेश से बन रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो पंचमेश है, जो आठ नंबर लिखा हुआ अर्थात वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो दशमेश है देखिए वहां एक नंबर लिखा हुआ अर्थात मेष राशि, उसके भी स्वामी मंगल होते हैं, जो चतुर्थेश है वो देखिए सात नंबर चौथे घर में लिखा हुआ अर्थात तुला राशि, उसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो शुक्र और मंगल देखिए लग्न में बैठे हुए हैं, मतलब एक नंबर में बैठे हुए आपको दिख रहा होगा, और साथ में देखिए जो लग्नेश है हमारे, जो लग्न के जो स्वामी हैं चार नंबर मतलब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, वो सप्तम घर में बैठे हुए हैं। मतलब कि पंचमेश, दशमेश, चतुर्थेश तो एक साथ युद्ध करके लग्न में बैठे हुए हैं, और साथ में अपनी दृष्टि से वो लग्नेश को देख रहे हैं, लग्नेश भी अपनी सप्तम दृष्टि से पंचमेश, चतुर्थेश, दशमेश को देख रहे हैं। यहां तो एक योग बना, प्लस सारे के सारे देखिए आपको केंद्र में ही स्थित हैं। यदि इनका संबंध नवमेश से बन जाएगा तो ये एकदम आपको मैं कह सकता हूं 100% एक योग प्रशासनिक सेवा का बन जाता। तो क्या इसमें नवमेश का संबंध क्या पंचमेश, चतुर्थेश, दशमेश, लग्नेश से बन रहा है? तो हम यहां देख रहे हैं दोस्तों कि जो नवमेश है उसमें 12 नंबर लिखे हुए नवे घर में, 12 नंबर मतलब मीन राशि, उसके स्वामी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु देखिए यहां एकादश में जाके बैठे हुए हैं, गुरु की ना तो किसी पर दृष्टि पड़ रही है पंचमेश पर, चतुर्थेश पर, दशमेश पर, लग्नेश पर, और ना ही लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश या पंचमेश की भी दृष्टि पड़ रही है आपको नवमेश पर। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमारे चतुर्थेश, पंचमेश, दशमेश या लग्नेश का संबंध नवमेश से नहीं बन रहा है, लेकिन हम इन्हें ये नहीं कह सकते। हाँ, इन्हें सरकारी योग है, सरकारी नौकरी का योग है, अभी सरकारी नौकरी का योग में अच्छे योग है, यदि वो उनकी जो आप एजुकेशन देखे होंगे उस एजुकेशन के इक्वल इनके योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के। यहां पर मैं हर बार आपको कहना चाहता हूं कि आप हमेशा परिस्थिति, काल इत्यादि देखना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई जातक यदि 10th पासी है तो वो आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं पास कर सकता, या किसी ऑफिसर रैंक का एग्जाम नहीं पास कर सकता, वो अपने एजुकेशन के लेवल पर उच्च जॉब पा सकता, अच्छी जॉब पा सकता या इक्वल जॉब पा सकता। तो यहां मैं कह सकता हूं कि इनका सारा पंचमेश, चतुर्थेश, दशमेश, लग्नेश सारे के सारे मजबूत है, एक साथ युद्ध है, संबंध बना रहे हैं और केंद्र में है, इनको सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, और अपने जो क्वालिफिकेशन उसके अनुसार उनको जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी। यदि यही जिसके इनका संबंध नवमेश से बन जाता तो मैं 100% हम लोग कह सकते थे कि इनका प्रशासनिक सेवा का योग बन रहा है, ये यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस आईपीएस या उच्च पद पर ये आसीन रहेंगे। साथ में हमें प्रशासन से या राज के बारे में सूर्य और चंद्रमा को भी देखना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया, एक तो लग्नेश हो गए प्लस सप्तम घर में केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये सरकारी सेवा का योग बताता है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं दूसरी कुंडली और एक दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र ये हो गया दोस्तों, यदि चतुर्थेश और दशमेश का संबंध या संयोग या युति पंचमेश से हो जाए या नवमेश से हो जाए तो ऐसे जातक भी उच्च सेवा पाते हैं, प्रशासनिक योग पाते हैं, उच्च पद पर आसीन होते हैं। यहां एक कुंडली और आ रही होगी दोस्तों, ये सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन के बारे में कहा जाता है कि ऐसे जातक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज प्रशासन से जुड़े रहते हैं,
इनकी जो जीविका चलती है वो राज प्रशासन से ही चलती है, काहे सिंह लगन है। यदि इसमें सूर्य यदि दशम भाव में स्थित हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होते हैं। सरकारी विभाग में बहुत ऊंचे पद पर वो जाते हैं, या यो कहे कि प्रशासनिक योग बनता है। तब हम यहां इस कुंडली में देख रहे हैं कि क्या चतुर्थेश दशमेश का संबंध पंचमेश या नवमेश से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहां आप देखिएगा दोस्तों को जो दशमेश है वो देखिए आपको कहां बैठे हुए हैं, एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, और जो लाभेश हैं वो कहां बैठे हुए हैं, दशम स्थान में बैठे हुए, दसवें भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्मेश लाभेश में, लाभेश कर्मेश में बैठे हुए, अर्थात यह एक अच्छा बहुत ही अच्छा योग बनता है, यह हमारे परिवर्तन योग कहलाते हैं। एक तरह से संबंध बना रहे हैं कर्म भाव लाभ भाव से, लाभ भाव कर्म भाव से स्वामी संबंध बना रहे हैं। साथ में देखिए लग्नेश कहां बैठे हुए हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव में बैठ के किसको देख रहे हैं, देखिए गुरु को देख रहे हैं, पंचमेश को देख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और नवमेश कहां बैठे हुए हैं, नवमेश भी देखिएगा क्या एक नंबर की राशि लिखी हुई है, मतलब मेष राशि, उसके स्वामी मंगल होते हैं, वो भी केंद्र में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। हम यहां देख सकते हैं कि आपको लग्नेश पंचमेश नवमेश सारे केंद्र में बैठे हुए हैं, ये एक तरह का और भी अच्छा योग बन रहा है। और साथ में कईयों के साथ डिस्ट्रीब्यूट संबंध भी बना रहे हैं, दृष्टि से संबंध बना रहे हैं, लग्नेश और आपको पंचमेश अपने सातवीं दृष्टि से आपस में देख रहे हैं, लग्नेश और आपको नवमेश देखिएगा आपको नवमेश चौथी दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं। इस प्रकार से इस जातक का एक विशिष्ट योग बनता है। डायरेक्ट तो हम नहीं कह सकते हैं कि पंचमेश और नवमेश एक साथ युद्ध है, लेकिन संबंध बना रहे हैं, दृष्टि से संबंध बना रहे हैं अपना, प्लस आपको केंद्र में स्थापित हैं। तो इसी प्रकार ये जातक जो है एक बहुत ही उच्च पोस्ट पर अपने सेवा को सुशोभित किए हुए हैं। इसी प्रकार हमें अपने कुंडली के बारे में देखना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और किसी कुंडली आती है यदि किसी नौकरी के विषय में, प्रशासनिक सेवा के विषय में, तो हमें पहले घर, दसवें घर, छठे घर, पंचम, नवम, चतुर्थ, ये सबको देखना चाहिए, इसके स्वामी को देखना चाहिए, वो कहाँ है, कहाँ विराजमान है, यूथ बना रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, इत्यादि सारे चीज को देखा जाता है। उसके बाद ही हम लोग किसी को बताना चाहिए कि आपके कुंडली में या आपका प्रशासनिक योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, किसी प्रकार का राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा, किसी प्रकार का विशिष्ट राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा, सरकारी नौकरी का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर भी अवश्य करें। जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।